हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व के बारे पर चर्चा करेंगे। जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, मतलब आर्थिक महत्व जिम्नोस्पर्म का। तो आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म के पौधे कैसे होते हैं, नेकेड सीडेड प्लांट होते हैं ये। इनके जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, मतलब बीज के ऊपर बीजावरण नहीं पाया जाता है, ठीक। तो ये नग्न बीजी पौधे हैं, इनका आर्थिक महत्व देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब सजावटी पौधे। ज्यादातर पौधे सजावटी होते हैं जिम्नोस्पर्म के। तो सजावटी पौधे कौन कौन से हैं, साइकस है, सजावटी पौधा होता है, पाइनस है, आरोकेरिया है, इसके बाद थूजा, क्रिप्टोमेरिया, टैक्सस और एबीज, ये सब ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं। इनको इंडोर या आउटडोर, मतलब घर के बाहर या घर के अंदर, इनको सजावट के लिए गमलों पर लगा दिया जाता है। इनकी क्यारियां भी लगाई जाती हैं, गार्डन होते हैं वहां पर भी इनको लगा दिया जाता है। तो ये सजावटी पौधे होते हैं, साइकस, पाइनस, आरोकेरिया, थूजा, क्रिप्टोमेरिया, टैक्सस और एबीज, ये सजावट के काम में आने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ फूड वैल्यू, मतलब इनका फूड वैल्यू क्या है, अर्थात ये भोजन के रूप में भी उपयोगी होते हैं। आइए देखते हैं, साइकस नामक पौधे से सागू नाम का एक मंड प्राप्त किया जाता है, ठीक। साइकस प्लांट से सागू नामक मंड प्राप्त किया जाता है, जिससे साबूदाना बनाया जाता है। तो ये सागू नाम का पदार्थ उत्पन्न करता है साइकस, इसलिए इसको सागो पाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साइकस को, सागो पाम। और साइकस कैसा पौधा है, जीवित जीवाश्म पौधा होता है, ठीक। इसके बाद साइकस है, जिंगो है, इसके बीज जो होते हैं वो भून कर खाए जाते हैं। साइकस के और जिंगो के बीज भून कर खाए जाते हैं। जिंगो भी क्या है, जीवित जीवाश्म पौधा होता है, ठीक। अब इसके बाद नीटम नीमोन नाम का पौधा है। ये नीमोन क्या है, स्पीसीज है नीटम की, जी इसमें साइलेंट रहता है। तो नीटम नीमोन नाम के पौधे के जो बीज होते हैं, इसके बिस्कुट बनाए जाते हैं। और वो कहां पर बनते हैं, मलाया और इंडोनेशिया पर, ओके। तो ये भोज्य पदार्थों के लिए उपयोगी पादप थे। इसके बाद कागज उद्योग में, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कागज उद्योग के लिए कौन से जिम्नोस्पर्म रिस्पांसिबल हैं, तो नीटम और पाइसिया। नीटम और पाइसिया जो हैं, इनसे कागज की लुगदी बनाई जाती है और इससे फिर बाद में पेपर बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है। तो पेपर इंडस्ट्री के लिए नीटम और पाइसिया नामक जिम्नोस्पर्म उपयोगी होते हैं। इसके बाद वुड इंडस्ट्री, कास्ट उद्योग में इनका व्यापक उपयोग होता है। रेलवे की जो स्लीपर रहा करते हैं वहां पर भी जिम्नोस्पर्म का उपयोग होता है, क्योंकि इनकी लकड़ी जो होती है वो हल्की लकड़ी होती है और बहुत ही टिकाऊ लकड़ी होती है। तो पाइनस, सिट्रस, एबीज, सिकोया की लकड़ी से फर्नीचर बनता है। और इस फर्नीचर का उपयोग कहाँ पर, जैसे डोर बनाने पर, दरवाजे बनाने पर, खिड़कियाँ बनाने पर, रेलवे के स्लीपर हैं, पुल हैं, ये सब बनाने पर इनका उपयोग होता है। हल्की लकड़ी होती है इनकी, ठीक, और जल्दी से खराब नहीं होती। और जूनिपेरस नाम की लकड़ी है, जूनिपेरस से पेंसिल, पेंसिल का काला वाला भाग नहीं, पेंसिल की जो ऊपर की लकड़ी होती है वो, पटरी का मतलब स्केल, और होल्डर, होल्डर जिसमें निब लगा रहता है आगे, वो होल्डर की लकड़ी बनाने पर ये जूनिपेरस नामक जिम्नोस्पर्म उपयोगी होता है। इसके बाद थूजा, थूजा नाम का जिम्नोस्पर्म है, इसकी लकड़ी से टेलीफोन और बिजली के खंभे बनाए जाते हैं, ठीक। पाइनस राक्सबर्गियाई है,
वाली चियाना है, ये लकड़ी जो होती है ना दिया सलाई की तीली मतलब मैच स्टिक बनाने पर ये उपयोगी होती है। तो ये आपने वुड इंडस्ट्री के बारे पर देखा। अब इसके बाद है मेडिसिन दवाइयाँ। तो दवाइयाँ कौन कौन सी, टैक्सस ये पूछ लिया जाता है, टैक्साल, टैक्साल नामक मेडिसिन किससे बनाई जाती है, तो टैक्साल नामक मेडिसिन टैक्सस नामक जिम्नोस्पर्म से बनाई जाती है और यह कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोगी होती है। इसके बाद ये बड़ा फेमस है इफेड्रा, इफेड्रा नामक जिम्नोस्पर्म से इफेड्रिन नामक मेडिसिन बनाई जाती है जो रेस्पायरेटरी डिसीज में उपयोगी होती है, जैसे दमा है खांसी है उस पर ये इफेड्रिन मेडिसिन उपयोगी है। इसके बाद साइकस सर्सिनेलिस है, साइकस सर्सिनेलिस की जो लीव्स होती हैं उनकी लीव्स का जूस मतलब पत्तियों का रस ये स्टमक डिसऑर्डर में उपयोगी है, त्वचा रोग में उपयोगी है। ठीक, अब इसके बाद अदर यूजेस है, कुछ अन्य उपयोग हैं, जैसे एबीज बालसामिया, एबीज बालसामिया से कनाडा बालसम तैयार किया जाता है, ये एक गोंद टाइप की रचना होती है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, प्रयोगशाला में स्थायी स्लाइड बनाने में, आरोपण में मतलब प्रयोगशाला में जो परमानेंट स्लाइड बनाई जाती है उस पर जो कवर स्लिप होती है उसको चिपकाने के लिए इस कनाडा बालसम का यूज किया जाता है। इसके बाद जूनी पेरस वर्जिनियाना से सिडार उड आयल प्राप्त होता है, ये पूछ लेता है कि सिडार उड आयल किस जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है, तो जूनी पेरस वर्जिनियाना से प्राप्त होता है ये सिडार उड ऑयल। इसके बाद पाइनस से टर्पेंटाइन ऑयल प्राप्त होता है मतलब तारपीन का तेल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, पाइनस से प्राप्त होता है, पेंट को हल्का करने पर पेंट जब किया जाता है तो उसमें तेल जो मिलाया जाता है तो वो तारपीन का तेल ही होता है। इसके बाद साइकस की जो लीव्स होती हैं, साइकस की विभिन्न जातियों की, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ साइकस आर यूजफुल फॉर द मेकिंग ऑफ द बास्केट एंड ब्रूम मतलब झाड़ू और टोकरी बनाने पर साइकस की विभिन्न जातियों की पत्तियां यूज होती हैं। ये आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म देखा, संभवतः ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।